तीन पार्टियों से बाहर हो चुकी है बीजेपी। बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। बता दें कि 2019 में 20 दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को पिछले 4 सालों में बड़का झटका लगा है। ये झटका देने वाली सबसे बड़े पार्टी बन रही है तो वो कांग्रेस बन रही है, ऐसा लोगों का दावा है। कांग्रेस ने बीजेपी को बार बार झटका दे रही है और बीजेपी अपना कदम आगे बढ़ाते हुए चली जा रही है। इन सालों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा NDA से 3 बड़े दल बाहर हो चुके हैं। शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में भी टूट हो चुकी है। इसी बीच तमिलनाडु में भी बीजेपी को सहयोगी AIDMK झटका दे सकती है। बता दें कि जिस तरीके से झटके पे झटके कांग्रेस ने यहाँ पे बीजेपी को दे रही है, वो बीजेपी पीछे नहीं आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को बार बार वो चेतावनी दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल पॉलिटिक्स में बीजेपी और AIDMK कार्यकर्ताओं के बीच कई जिलों में वापसी तानातनी की खबरें सामने आई है। AIDMK तमिलनाडु मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जो UP, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार के बाद सबसे ज़्यादा है। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने AIDMK के साथ मिलकर राज्य में 5 सीटें पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला, AIDMK भी कोई करामात नहीं दिखा पाई। जिस तरीके से यही करामात कांग्रेस ने देख रही है, तो कांग्रेस अपना रणनीति और चाल बदल रही है, जिससे बीजेपी को बार बार झटका लग रहा है और टूटकर बिखर जा रही है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।